नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, एनवी डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं प्रेमलता माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को पढ़ाने का जो निर्णय लिया है वो अंतिम चरण पर है, यानी कि आज की जो वीडियो है आपके लिए लास्ट होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने छोटी वीडियोज बनाई है और शॉर्ट बनाई है, लेकिन उनके अंदर जो मैटर मैंने डाला है वो बहुत अच्छा डाला है। आप प्रत्येक वीडियो को देखकर जाएंगे, प्रत्येक वीडियो को सुनकर जाएंगे, उस चीज के अंदर आपको और अपनी बुक से पढ़ते हुए अपनी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का एग्जाम आपको देना है स्टूडेंट्स। तो मैंने आज से पहले दो वीडियो में आपकी तीसरी इकाई जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की है उसको पहले पढ़ाया है दो वीडियो में। आज तीसरा वीडियो है जो है आपकी संपूर्ण इकाई का वर्णन इस वीडियो के अंदर है। बस हर कितना है, मैंने इसको सॉल्व किया है, आप इन चीजों को देखते हुए उसको विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे तो हमें बुक सीरीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ कहाँ से। मेरी जो दो वीडियो है तीसरी इकाई की, वो पहली वीडियो थी रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या है, उसके बाद की पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या है, उन दोनों का निचोड़ जो है, उन दोनों पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में अंतर क्या है, इस भी प्रश्न को आप पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट। वैसे अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह में अंतर क्या है। आज की जो वीडियो है उसको आज हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे इस वीडियो पर आप लगातार एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि उसको भी आप पढ़ के जाइएगा। देखिए स्टूडेंट, चार हमने जो भी वीडियो बनाए हैं उसमें से अगर हम उनको देखते हैं, करते हैं, कुछ परसेंट भी आता है तो कहते हैं पढ़ने से ज्यादा सुनी हुई चीजें हमें याद रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्या रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता के अंदर किन किन चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं, रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रह के अंदर की चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां होती हैं जिनसे हमें अवगत होना पड़ता है, उनमें रूढ़िवादिता का क्या रोल होता है और पूर्वाग्रह का क्या रोल होता है। तो पहला है कि निरंतर प्रगति के साथ, ये रूढ़िवादिता और इसकी चुनौतीपूर्ण होती कैसे है कि निरंतर प्रगति के साथ साथ समाज का विकास हुआ परंतु समाज में व्याप्त चुनौतियां। रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रह व्यक्ति को नवीन परिवर्तन अपनाने में बाधक सिद्ध हुए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ जो रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह है ये नेगेटिविटी से ज्यादा भरे हुए हैं, क्योंकि रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह है वो हमें जो डेवलपमेंट हमारा हो रहा है उसके साथ साथ जब हम अपने आप को बदलते हैं तो उसमें वो अपनी बाधाएं यानी कि वो बाधक सिद्ध होती हैं। तो इसके बाद है कि आज भी समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, अस्पृश्यता, अब हमें देखा है कि हमारे समाज में, मैं आपको सारे तरीकों से किन किन तरीकों से पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता हमारे भारत देश को जकड़े हुए है और हम उसको कितना नेगेटिव लेते हैं और कितना उसको पॉजिटिव लेते हैं, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट अध्ययन कराने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को अगर लगातार देखते रहेंगे तो आपकी यहाँ कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऊंच नीच और भेदभाव बना हुआ है, यस, ये सबको पता है कि आज भी हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है वो किन किन चीजों से जकड़ा हुआ है, छुआछूत, ये चीजें कहने में तो संविधान में भी इनको खत्म किया गया है, लेकिन आज भी इंसान की पॉजिटिविटी के अंदर, इंसान की मस्तिष्क के अंदर ये चीजें आज भी जकड़ी हुई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पहला जो है, पहली चुनौती है वो है लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। देखिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता होती क्या है, ये होती है स्त्री पुरुष और लड़का लड़की में जो भेदभाव समाज के द्वारा किया जाता है उसी को हमें लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह का, क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता परंपराओं से चली आ रही है, पूर्वाग्रह उसको जकड़े हुए हैं और जो समाज है, जो आज का जो
पूर्वाग्रह उसमें पूरी बाधाएं उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट आता है जातिगत रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह जातियों के आधार पर भी। देखिए स्टूडेंट, आज भी कास्ट, एक कास्ट क्या है? कास्ट सिर्फ इतना ही तो है कि हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, जो जिस समूह में हमने जन्म लिया है, सिर्फ और सिर्फ हम उसी जाति को ज्यादा वेटेज देते हैं। लेकिन मैं बार बार आपको क्लास में भी बोलती थी कि बेटा ये जातियां हैं वो किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है ना, ये साइंस ने बनाई है और ना ये भगवान ने बनाई है। ये जो जातियां हैं, ये जो क्षेत्रीय जो चीजें आपको मैं बताऊंगी, ये सारी चीजें इंसान की बनाई हुई चीजें हैं। ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है कि ये चीजें हैं। जब तक समाज को जकड़े रहेंगी, समाज आगे बढ़ने में उतना ही पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रजातीय रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह। अब जातीय तो समझ में आया मैडम, लेकिन प्रजातीय क्या? प्रजातीय व्यक्तियों के उस समूह को प्रजाति कहा जाता है जब इसके सभी सदस्यों में समान महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। ये लक्षण कैसे होते हैं? वंशानुक्रम होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। वंशानुक्रम से प्रजाति, अब जैसे हमने माना कि हमसे कोई पूछे कि इंसान किस प्रजाति का है, तो लोग आज भी उस रूढ़िवादिता को पकड़े हुए हैं। किसको? कि बांदर प्रजाति से है, लेकिन साइंस ऐसा नहीं मानता है। यानी कि आज का जो हमारा जो डेवलप हुई हुई चीजें हैं, वो इन चीजों को नहीं मानती हैं। अब क्षेत्रीय रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। क्षेत्रीय रूढ़िवादिता क्या है? क्षेत्रीय रूढ़िवादिता, भारत विविधताओं का देश है। हम बार बार पढ़ते हैं ये चीज कि भारत है, हमारा देश है, वो विविधताओं में भी एकता वाला देश है। और यहाँ पर प्रत्येक प्रांत क्षेत्र की अपनी विशिष्टताएं हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो उसमें सेंटर होता है, यानी केंद्रीय केंद्र होता है। केंद्र में विकेंद्र होते हैं, विकेंद्र में भी और विकेंद्र होते हैं। यानी कि भारत है, भारत में राज्य है, राज्य के अंदर क्या है? बहुत सारे जिले हैं, जिलों में बहुत सारे कस्बे हैं, कस्बों में बहुत सारे गांव हैं। इसी तरीके से हमारा क्या बटा हुआ है? क्षेत्र बटे हुए हैं, इन्हीं प्रतिबिंबों से क्षेत्र भी बटे हुए हैं। तो ये क्षेत्र भी क्या है? हमने हमारे राष्ट्र में किस लिए बनाए हैं कि हम इन चीजों को, इनको भी बहुत बड़ी अच्छी संज्ञा देते हुए हम अपने भारत का अच्छा डेवलपमेंट कर पाए, इसलिए इन सबको यहाँ किया गया है। भाषागत रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। देखिए स्टूडेंट्स, ये चीजें ग्रंथों में पढ़ने के लिए भी हमें मिलती हैं कि प्रत्येक 2.5 कोस पर बाणी और पानी का चेंज होता है, यानी बाणी बदलती है और पानी बदलता है। तो हुआ क्या कि जिस क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी भाषा भी होती है। जैसे मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को संज्ञा दी है। तो हमें क्या है कि भाषाएं भी प्रत्येक प्रांत की, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी होती हैं। लेकिन आप देखना, जहां एक ही क्षेत्र के दो व्यक्ति बात करते हैं, तो हमें उनमें बहुत ज्यादा करीबी का जो वो एहसास होता है। लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के जब समाज, यानी कि समूह जब बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं भाषा का डिफरेंस पाया जाता है। तो भाषा मुख से उच्चारित संकेतों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सदस्यों की आपसी अंतःक्रिया होती है। नेक्स्ट आता है धर्म संबंधी रूढ़िवाद। देखिए स्टूडेंट, भारत फिर वही बात है, विभिन्नता, विभिन्न धर्मों वाला देश है। सारे धर्म भारत के अंदर है। विश्व का पहला देश है ये जिसमें धर्म भी अलग अलग है। लेकिन कोई नहीं, धर्म अलग अलग है, लेकिन तहे दिल से सभी लोग, सभी नागरिक एक दूसरे को, एक दूसरे के धर्म को मानते हैं। ये हमारे भारत की सबसे अच्छी बात है। विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न संप्रदायों के उत्सवों, समारोह और त्योहारों में भाग लेते हैं, जो भावात्मक की के कारण उस भावनाओं से, ऐसे नहीं दिखावे से, भावनाओं से, भावनाएं होती हैं, यानी कि अंदर के जो इमोशन होते हैं, उनके आधार पर एक दूसरे के धार्मिक कार्यों में भारत के नागरिक हैं, हम लोग हैं जो भाग लेते हैं। नेक्स्ट आता है असत्यता संबंधी रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह। असत्यता, असत्यता
होता है। मंदबुद्धि के लिए असत्यता जैसी चीजें हमारे चुनौतीपूर्ण रूढ़िवादी था और पूर्वाग्रहों में इनको बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ग संबंधी रूढ़िबद्धता और पूर्वाग्रह। वर्ग, अब वर्ग क्या है? विश्व में कोई समाज ऐसा नहीं है जिसके वर्ग ना पाए जाते। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसके कोई वर्ग ना पाए जाते हो। आदिकाल से ही लिंग, शिक्षा, आय, व्यवसाय, धर्म आदि के आधार पर वर्गों का निर्माण होता आया है। ये तो बहुत बड़ी रूढ़िवादिता है कि परंपराओं से, रूढ़ियों से, रूढ़िवादिताओं से, पुराने पहले युग से ये सारी चीजें हैं जिनसे वर्ग जो सभी वर्गों में पाई जाती है, इनसे सभी वर्गों को उनका जो भिन्नताएं है वो पाई जाती है। किस किस आधार पर है? लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, आय और व्यवसाय के आधार पर और धर्म के आधार पर। और सबसे बड़ी चीज है जो है कि वर्ग के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, ये सारी चीजें वर्गों में डिवाइड होते हुए हम रूढ़िवादिताओं से इन चीजों को जकड़े हुए हैं। लेकिन अब मैंने सिर्फ इस स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ इन पॉइंटों को ही आपको बताया है। इनके अंदर का मैटर आप जरूर अपनी एग्जाम में देख के जाए, लेकिन ये मेन है। अगर आप इनको भी लिखते हैं तो 80-90% आप रिजल्ट को कंप्लीट पाते हैं। क्या है ये? रूढ़िवादिता एवं पूर्व आग्रह, चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण रूढ़िवादिता एवं पूर्व आग्रह है। इनके बारे में मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे बोला था वीडियो को प्रारंभ करने से पहले कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ जिसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी। क्वेश्चन आप याद करके जाना, पढ़ के जाना, समझ के जाना। वो क्वेश्चन आपका है कि स्वयं को आकार देने में, स्वयं को आकार देने वाले अभिकरण कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? परिवार, विद्यालय और मीडिया, ये तीनों हैं जो स्वयं को आकार देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप समझेंगे मीडिया, मीडिया का क्या रोल है? मीडिया ही है जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको अध्ययन करा रहे हैं और आप अध्ययन कर रहे हैं। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज बच्चे आप मुझे कमेंट्स करें।